सरकार के नोटिस में किसी भी प्रकार से लाया जाए कि सरकार जो ये जो युवा है ये चाहते हैं कि सीटी क्वालिफाई किया जाए, इसको मैंने जो है मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक, अधिकारियों तक, हर जगह तक पहुंचाया है, लेकिन जो है उनके कान पर जो रेंग नहीं रही है। और ये जो सीटी क्वालिफाई करने की जो डिमांड है, इसके लिए वीडियो बना करके भी जो है हर जगह पर मैंने भेजी है और हर जगह पर यह बताया गया कि किस प्रकार से गलत है। जैसे चार गुना है, चार गुना टोटल पोस्ट 32,000 गुना चार 1,28,000 अगर आते हो ना तब भी मामला सही होता है, गलत है। ये पर कैटेगरी पर पोस्ट वाइज चार गुना बुला रहे हैं। जैसे पुलिस में वैकेंसी आती है 5,000, जनरल कैटेगरी की आई मान लिया 2,500, 2,500 गुना चार 10,000 लोग बुलाए। अब पटवारी की फिर वैकेंसी आई मान लिया 4,000, जनरल कैटेगरी के 2,000, 2,000 गुना चार 8,000, तो 8,000 उन 10,000 से अलग नहीं है, उन 10,000 में से ही 8,000 को फिर से मौका मिल रहा है। फिर ग्राम सचिव की वैकेंसी आ गई मान लिया 1,000, उसमें से जनरल कास्ट की हो गई 500, 500 गुना चार तो उसमें फिर 2,000, वो उन्हीं 10,000 में से 2,000 है, अलग 2,000 नहीं है। कि दूसरों को मौका नहीं मिल रहा, हाँ, जबकि मौका सबको मिलना चाहिए, बार बार मिलना चाहिए सबको, बार बार। जैसे जिनकी डिग्रियां अलग है उनको अगर छोड़ दे तो मोटे तौर पर मामला सिर्फ जो सबसे बड़ी वैकेंसी होगी उसके चार गुना को मिलेगा, बाकी टोटल पदों के चार गुना वाले लोगों को नहीं मिलने वाला है। ये गड़बड़ है सरकार के पार्ट पर। तो क्या सरकार से पहले इस बारे में बात नहीं हुआ, उन्हें समझाया नहीं गया, उन्हें चेताया नहीं गया कि आप गलत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं? जब ये पॉलिसी बन रही थी, जब हमने उसको पढ़ा था ड्राफ्ट को, तभी ये गलत था, तभी से जो है मैंने HSSC के जो है संपर्क में था, मैं मंत्री जीओ के संपर्क में था, मैंने सब लोगों तक ये बात पहुंचाई है, मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंचाई है, आमने सामने बोला हाँ इसको जो है चेक करेंगे, देखेंगे। और सारी बात होने के बावजूद जो है अब पता नहीं क्या कारण है, ना तो हमारी सुन रहे हैं, ना कोई आदमी जिम्मेदार मिल रहा है, न वहां तक जो इस बात को रख रहा है, क्यों जो इन बच्चों को, युवाओं को इग्नोर किया जा रहा है। ये 3.5 लाख परिवार है, 3.5 लाख लोग जो है चाहते हैं कि जो ये सबको मौका मिले, उतने लोग उतने परिवार जो है सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। किसी को बुलाना तो बुला ले, लेकिन ये तो उसकी सीपीटी में स्टेट साहब आए, ये किसी बात पे खड़े हुए हैं भाई, हम 17-18 जाके चौक जाम करेंगे तो वो नहीं करने देंगे, चौक आप जाम नहीं करने देंगे, और जाम प्रतिनिधि मंडल आया था उनको भी नहीं करना दिया था, इनको भी नहीं, आज बात नहीं करेंगे, कर ही नहीं रहे, नहीं करना चाहिए, नहीं करना।